गुड इवनिंग बच्चों, आज संध्या का भी समय है और मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर को का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत। नहीं, प्रबंध के सिद्धांत जैसे ही किसी स्टूडेंट के मन में आता है तो हेनरी फ्यूल, FW टेलर सबका चर्चा अपने दिमाग में आते रहता है। तो क्या करेंगे कि हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है और विज्ञान के सिद्धांत, जो साइंस के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और जो आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, कौन सा फिक्स्ड नहीं होता है, किस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको हिंदी में लोच कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं डॉक्टर अनवर हुसैन, आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारा थैंक यू आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग व्यूज़ दे रहे हैं, 1000 से ज़्यादा, तो आगे भी बढ़ना है। जो 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 स्टूडेंट देखना चाहते हैं वीडियो, आपके लिए मैं बराबर वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तब जाके मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो। चलिए, तो सब्सक्राइब कर देंगे मेरे बंधु। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला लाइन में जो पढ़ने जा रहा हूँ वो हेनरी फ्यूल महोदय का है। हेनरी फ्यूल के सिद्धांत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हेनरी फ्यूल ने लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं मतलब क्या, परिवर्तनशील है? नहीं, बल्कि लोचपूर्ण होते हैं। लोचपूर्ण का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ऐसा चीज़ जिसके सिद्धांत में कुछ परिवर्तन हो, ठीक है, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने कहा बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता है, बदलता है। जैसे H2O बराबर जल होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ही जल बनाएगा, ये तो साइंस की डिफिनेशन है, परंतु कॉमर्स में ऐसा नहीं। कॉमर्स में क्या कहता है कि यदि परिस्थिति बदलेंगे, समय बदलेगा, स्थिति बदलेगा, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी अपने आप में बदल जाएंगे, ठीक है। एक राइटर है जिनका नाम सुने होगा, जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी। क्या आप जानते हैं जॉर्ज आर टेरी को? सुने गए जॉर्ज आर टेरी का नाम? चलिए देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की जो डिफिनेशन है उसमें दूसरा पॉपुलर नाम जॉर्ज आर टेरी महोदय का है। थोड़ा आप लोगों को फैन का आवाज़ आ जाएगा क्योंकि ऐसी नहीं है यहाँ पे, और बहुत गर्मी लग रही है, तो चलाना मजबूरी है। तो जॉर्ज आर टेरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रबंध में काफ़ी फेमस है। कहता है प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट, याद रखिएगा फंडामेंटल स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल मैं बताऊंगा, और ट्रूथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू द थ्रू आर एक्शन। मैनेजमेंट में क्या होता है, एक्शन होता है, और एक्शन करने के लिए क्या करता है, गाइड करता है। गाइड कैसे करता है, फंडामेंटल वे में करता है, इसका ये मतलब हुआ। तो अब अगर हम बनाते हैं इसका डिफिनेशन टेरी महोदय का देखते हैं, तो जॉर्ज टेरी ने आपको कहना ये चाहा कि किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वाक्य को सिद्धांत कहते हैं। निजी जीवन में सिद्धांत भी होता है, अभी का तो नौजवान जो होता है अपने सिद्धांत से बदल भी जाता है, और जो पुराने लोग होते हैं वो जो चीज़ कह दिए कि आपको मैं ये 10 रुपये में दूंगा, तो उसको फिर 100 रुपये में भी कोई देगा ना, तो 10 में ही वो बेचेगा, वो आपके साथ एक्स्ट्रा बल्लेबाजी नहीं कर सकता। ये भी था। आइए आगे देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस किसी भी चैप्टर का जरूर देखना चाहिए बच्चों, इसमें कुछ सीखने को मिलता है। आइए नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में देखते हैं इसका नेचर क्या है। मैंने एक बार क्लास में बताया था कि ऑल द पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक थिंकिंग, जो भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है वो किस रो में होता है, वो डायनेमिक वे में होता है। नहीं, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, तो पहला डायनेमिक का मतलब क्या था आपको, गतिशील था। गतिशील का मतलब होता है कि प्रबंध गतिशील वातावरण कार्य करता है, मतलब वो ऐसा चीज जिसमें बराबर प्रोग्रेस होता है। BST में इसको ऐसे समझिए, ऐसे प्रोग्रेस होता हो, परिवर्तन होता हो, आगे की ओर बढ़ता हो, उसको हम लोग गतिशील कहेंगे। नहीं, और मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है, प्लानिंग है या आगे पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन है, सब डायनेमिक होगा। दूसरा कहता है फंडामेंटल बट नॉट द एब्सोल्यूट, आधारभूत सत्य है किंतु अंतिम नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये कार्य जो व्यवहार और विचारों का मार्गदर्शन मात्र है, न कि उनके नियम या कानून, मतलब इसे फिक्स कानून है, अब कानून तोड़ेंगे सजा होगी ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी परिस्थिति के अनुसार अपनी व्यवस्था को, अपनी सोच को बदलता है। इसीलिए प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है जिसके सिद्धांत अनुभव शोध परीक्षण के आधार पर करते हैं, ठीक है। दूसरा उसका होता है साइंटिफिक डिसीजन है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है इट साइंटिफिक डिसीजन मट ए बैलेंस डिसीजन। क्या होता है ये,
बैलेंस डिसीजन है, अनबैलेंस नहीं होता है जिसके कारण उसको लॉस का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं। बैलेंस डिसीजन होता है द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स। देखिए मैनेजर्स मैनेजमेंट का जो काम करता है वो नेसेसरी ट्रेनिंग लेने के बाद ही वर्क करते हैं, नहीं तो ये क्या है आगे देखें। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब समझते हैं सापेक्षिक, यदि अन्य बातें समान हो तो इसको रिलेवेंट कहते हैं। तो सापेक्षिक का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत सापेक्षिक, जैसे आपने इकोनॉमिक्स का बुक देखा है माल्थस जिसका भी सिद्धांत देखेगा, यदि अन्य बातें समान हो तो इसी तरह का इसका बैलेंसिंग फिगर आता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा अन्य बातें समान ही हो, असमान भी हो सकता है ना, इसको रिलेवेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसका सिद्धांत क्या होता है, जो आदमी एक्चुअल में सोचता है वही परफेक्ट नहीं होता है, इसमें बदलाव जरूर आते हैं। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब होता है दिस इज यूज्ड टू द एनी लेवल, मतलब जो भी लेवल का मैनेजमेंट पे इसको जाएंगे यूनिवर्सल है, मंदिर हो मस्जिद हो गिरजाघर हो जहाँ पे जाएंगे, माने जिस सेगमेंट में जाएंगे चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, हर जगह पे इस प्रबंध का मैनेजमेंट का यूज आपको होगा और आपको करना पड़ेगा। तो आइए प्रबंध के सिद्धांत समझ गए, अब प्रबंध के महत्व के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस क्या होगा, अगर आप मैनेजिंग वे में कोई काम करेंगे तो आपके स्किल्ड में वृद्धि होगा, जो आपका स्किल है ना, जो आप दक्ष होता है जिसको कहते हैं दक्षता, उसमें आपको आपकी वृद्धि होगी। दूसरी बात है कि समय नष्ट नहीं होगा, हेल्पफुल समय, हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट प्रॉपर अप्रोच ऑफ द वर्किंग, आपके वर्किंग में प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, स्वाभाविक जो स्किल्ड होगा उनका काम ज़्यादा बढ़िया होगा, तो ये प्रॉपरली वे में काम करते हैं और स्किल्ड अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं, फैसिलिटीज ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के फैसिलिटीज होते हैं। प्रबंधक कहते हैं कि जो भी आपके यहाँ जॉब में आदमी आते हैं, चाहे वह मैनेजर लेवल का हो, सुपरवाइजर लेवल हो या फोरमैन हो, उनको अपने कामों का ट्रेनिंग जरूर देना है आपको। आगे इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजरियल रिसर्च, प्रबंधकीय शोध में रुचि होती है। प्रबंधकीय सोच में रुचि का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे काम में डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उनके सोच में उसके वर्क में भी डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट नहीं होता है इसके लिए उनको ट्रेनिंग पहले ही बताया ना दिया जाता है वगैरह। तो आप इस बात को, जो भी जटिलताएं हैं जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं उनको ये सॉर्ट आउट करता है और जटिलताओं को कम करता है। आइए जिनका इंतजार था उनका नाम बता दें, हेनरी फ्यूल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हेनरी फ्यूल इतना बड़ा हस्ती है मैनेजमेंट सेक्टर का, और FW टेलर जिसको डील करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए आदमी को। आइए हम परिचय पहले आपको परिचय करा दें कि हु इज़ हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल कौन है, अगर आप जान जाएंगे ना तो उनके बारे में ठीक से वर्क करेंगे। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा, लिखता हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के पिता कौन है, तो याद रखिएगा FW टेलर इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, FW टेलर को प्रबंध के पिता कहते हैं, याद रखिए, बच्चा हमेशा गलती कर देता है, साइंटिफिक प्रबंध के पिता FW टेलर, हेनरी फ्यूल प्रबंध के पिता, याद रखिएगा, प्रबंध के पिता कौन है, हेनरी फ्यूल। अब वैज्ञानिक प्रबंध है, साइंटिफिक प्रबंध के पिता कौन हुए, फादर कौन हुए, तो उसका नाम है हेनरी FW टेलर साइंटिफिक, और ये है इसमें नहीं। तो आइए देखते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, हम सोच रहे हैं क्या करें, तो चलिए हम लोग आपको जानकारी देते हैं हेनरी फ्यूल्स के बारे में। पहले बच्चों अगर नहीं है तो आप कॉपी कलम निकालें, नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे या अदर बोर्ड में जिनके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आध दो भी पूछे जाते हैं, तो अगर ये इसको नोट कर लेंगे तो नहीं छूटने वाला। आइए कॉपी निकालिए और नोट कीजिए, हेनरी फ्यूल साहब का जो जन्म हुआ था वो 1841 में, 1841 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो इंतकाल हुआ यानी डेथ हुआ था वो 1925 में हुआ था, 1925 में, नहीं मेरे देश को आज़ाद होने से पहले। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना है ना, टिक मार लेना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था लिख लीजिए, इनका जन्म फ्रांस के कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था, फ्रांस के कहाँ हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था। ये 1860 में, 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुए थे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए थे, और फ्रांस की बड़ी कोयला कंपनी जो माइंस कंपनी था उसमें इनको जॉब हुआ था, और 1872 में वे इसी कंपनी के प्रबंधक मतलब ऊपर वो मैनेजर चले गए, और उसके बाद 1888 में डायरेक्टर बना दिए गए कंपनी के, नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, समझते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट जानते हैं। और इसके बाद वो 30 वर्षों तक लगातार उस कंपनी को अपनी सेवाएं दिए, 30 ईयर्स तक, और उसके सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद फ्यूल महोदय ने वहाँ से अवकाश प्राप्त किया। नहीं तो सोचिए कि जो आदमी नीचे से जॉब किया और उसके बाद
मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे ऊपरी पोस्ट से रिटायर किया हो, इसके दो बेनिफिट्स हैं, दो क्या बहुत अनेकों बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट से उनको हर पोस्ट की जानकारी हो गई, हर पोस्ट के लूपहोल्स जो भी होते हैं उनकी जानकारी हो गई। अब जहाँ जहाँ आदमी को दिक्कतें आती है वो भी उनको पता है, तो उसके संबंध में मतलब काम करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है उनके बारे में उन्होंने अपने जान गया। तो जानने के बाद उन्होंने 30 वर्ष जो नौकरी करने के बाद जो आए तो उसी दौरान उन्होंने किताब लिखा, और किताब का नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। किताब का नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कब हुआ था? 1916 में, याद रखें 1916 में। बच्चों याद कर लो, एक बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्यूल्स आपने किताब लिखा था वो किताब का नाम क्या था, और जो यूपी बोर्ड वगैरह में जो क्वेश्चन जो टीचर्स सबसे पूछे जाते हैं पूछता है किस भाषा में लिखे गए थे, प्रायः लैटिन लोग मान लेते हैं, लैटिन नहीं था उसका भाषा फ्रेंच था, याद रखेंगे। और बुक का नाम क्या था? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो याद है किताब कब लिखी, कब लिखा, कब प्रकाशित हुआ था? 1916 में। और इनकी किताब इंग्लिश में कब आई? 1929 में, यानी इनके डेथ होने के बाद 1925 में इनका इंतकाल हुआ था ना। इनका किताब कब आया था? 1929 में, 29 में। सन 1888 में अवकाश प्राप्त करने के बाद फ्यूल ने अपना समुचित प्रचार किया, और 1925 में मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी ना उस वक्त ये कुछ काम कर रहे थे, देखिए पढ़ने वाले लोग कितने पढ़ने के प्रति अग्रेसिव होते हैं। और उस वक्त भी ये टोबैको कंपनी याद है खैनी जिसको लोग खाते हैं कितने लोग, तो टोबैको पर ये रिसर्च कर रहे थे उस वक्त इनकी देहांत हुई। उस समय में मतलब ये जन्म से लेकर जब पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद इन्होंने जॉब किया, जॉब करने से आखिरी वक्त तक अपने काम को ही करते रहे। तो चलिए फ्यूल साहब का ये मात्र परिचय है। और फ्यूल महोदय ने जो इन्होंने सिद्धांत दिया है 14 सिद्धांत, वो 14 सिद्धांत इस प्रकार है, और देखते हैं। पहला जो डिवीजन ऑफ वर्क है, कार्य का विभाजन, आप समझते हैं कार्य वर्क मतलब काम, तो काम का विभाजन किस रूप में करना चाहिए, किनको कौन सा काम देना चाहिए। देखिए एक लेक्चर में तो इसका वीडियो सिद्धांत खत्म होने वाला है नहीं, यानी इसका चैप्टर 2 का 1 और 2 हो सकता है कि 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाना पड़े। आज 1 वीडियो देखते कहां तक जाता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो इसमें कार्य विभाजन का मतलब होता है कि किसे इसको, गर्मी ज़्यादा होने के कारण बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो बनाने में। चलिए तो आज एक पहला जो डिस्क्रिप्शन था फ्यूल साहब का जो पॉइंट है 14 को तो डील करना हुआ ना, पहला है डिवीजन ऑफ द वर्क मतलब काम देना है, कैसे काम देना है। इनका उन्होंने बताया उन्होंने कि एज फॉर एज पॉसिबल द वर्क होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन टू द स्मॉल पार्ट, जो बड़े बड़े काम होते हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और ईच इंडिविजुअल्स को अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओनली पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट, जिसको जिस वर्क में ज़्यादा मजा आता है, जिनकी जो एबिलिटी अच्छी होती है वही उनको काम दिया जाए। ऐसा इसलिए कहा कि जिसको जिस काम में मज़ा आता है ना वो बढ़िया से करता है। जैसे मेरे को कॉमर्स पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैं कॉमर्स बहुत बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ, और कोई कहे कि आज से सर आप फिजिक्स पढ़ाओ तो दिक्कत हो जाएगा ना, पढ़ाना अलग है और स्पेशलाइजेशन पढ़ाना अलग है, सब लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते नहीं। तो इसके हर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो किसी ने इसकी आलोचना इस प्रकार से किया कि यदि एक आदमी को बार बार हमेशा एक ही तरह काम दिया जाए तो उनको काम करने में उतनी मजा नहीं आएगा, वो उतना काम नहीं करेंगे, नीरस उदासी हो जाएगा उसको काम से। अब पॉजिटिव एडवांटेज उसका क्या है? कहता एडवांटेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज द इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कहता एक तरह काम देने से वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएगा और काम को क्वालिटी रूप में करेंगे, एडवांटेज हो गया। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इज द रिड्यूस, घट जाएगा उसका वर्केबिलिटी, ये इसका डिसेबिलिटी हो गया नहीं। चलिए इनके अब सिद्धांत नंबर 2 बताते हैं और 2 को देखिए। चलिए इनका दूसरा जो पॉइंट है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है नहीं, एंड अथॉरिटी अलग चीज़ है। अगर किसी बंदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए और उसको अथॉरिटी नहीं दिया जाए तो ये कह लीजिए कि बॉडी तो है पर वर्क नहीं कर रहा है नहीं। किसी आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और कहा जाए कि कोई भी काम कीजिएगा हमसे पूछ कीजिएगा, आपको नागपुर फ़ोन करके पहले पूछना कि शर्म करे कि नहीं करे, तो वैसे में काम का जो गति होगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कहता है
कि एक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निभा सके इसके लिए जरूरी है कि उनको सत्ता दिया जाए, मतलब उसको अथॉरिटी दिया जाए। तो इसका वाइटल पार्ट क्या होगा? इसका वाइटल पार्ट होगा कि लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा, लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा। दूसरा हुआ कि कर्मचारी में साहस और विश्वास बढ़ेगा। मगर अगर अथॉरिटी जिसके पास होगा वो कार्रवाई भी जल्दी करेगा ना। इसका निगेटिव पार्ट हुआ कि कर्मचारी में भय भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसका बुरा प्रभाव कि गलत प्रयोग का डर, वो गलत भी यूज़ कर देगा, किसी को मिला लेगा कि काम करो वरना मैं तुमसे कार्रवाई कर दूंगा। लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो जाएगा क्योंकि डर जाएगा नहीं वगैरह। तो डर हो या कुछ हो इसको यूज़ करना चाहिए ताकि कर्मचारी जो है, हर अच्छा पार्ट का कुछ बुरा होता ही है, मगर मेरे विचार से ये सही है। बिना अथॉरिटी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी जीवन में आप ही नहीं टेकल करेंगे। नहीं, हमको कहेगा सूबेदार बनाया जा रहा है तो डिसीजन ही मेरे को चाहिए। तीसरा नंबर है मेथड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। देखिए, अनुशासन आदमी को हर सेक्टर में जीवन को आगे बढ़ाता है। नहीं, स्टूडेंट को भी अनुशासित होना चाहिए। तो कर्मचारी अगर अनुशासन विहीन हो जाएगा तो इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, बाहरी सूचना का पालन संस्था कर्मचारियों के साथ सही खड़ा होना चाहिए। अनुशासित संस्थाओं के साथ लोग की नजरों में अधिक होती है और कर्मचारियों को सफलता में वृद्धि होती है। श्रम प्रधान संबंधों में सुधार होता है। यानी जो इसका जो पॉइंट है डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन के बारे में पॉजिटिव बात कर दे तो ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेटर रेपुटेशन एमंग द पीपल्स। जिसमें डिसिप्लिन होगा ना वो जनता के बीच में, उसका जनता कौन है, ग्राहक के बीच में, मार्केट में उनकी अच्छी बढ़ाई होगी। और दूसरा है इंक्रीज द एफिशियंस ऑफ एम्प्लॉय में एफिशियंसी को बढ़ाएगा, उनका गुडविल बढ़ेगा, बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। वाह, बहुत अच्छा, समझ गया होगा। अच्छा, इसका बुरा प्रभाव कहता है कि हाइट डिसऑर्डर हो जाए, मतलब डिसऑर्डर का अगर पॉइंट अगर हाई हो जाए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन यूनिटी का नहीं, डायरेक्शन है क्या बता रहे थे आपको, डिसिप्लिन, ज़्यादा डिसिप्लिन जो है उसको ख़राब कर सकता है। नहीं, पर ख़राब नहीं करता, डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए और डिसिप्लिन ही बढ़िया होता है। नेक्स्ट फोर नंबर इनका है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड समझते ना, लैपटॉप में कमांड देते हैं तो काम करने लगता है, तो लैपटॉप में कमांड जब देते हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एकता होना चाहिए और एक जगह से कमांड होना चाहिए। याद रखिए, कमांड जहाँ तहाँ से होगा तो वर्क जो है ना एक जैसा फ्रेमवर्क नहीं हुआ, रेगुलेट करने में प्रॉब्लम्स होंगे। वो कहता है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ द कमांड एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द एनी वन सुपीरियर एट द टाइम द एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली दैट पर सुपीरियर्स। कहता अगर कोई सुपीरियर पर्सन यानी उसका कोई बॉस जो आगे वाला हो उसको अगर एक ही आदमी ऑर्डर देगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि वह उस आदमी को जवाब देने के लिए जवाबदेही पूर्ण रहेगा। अगर ज़्यादा आदमी उसको अगर ऑर्डर देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी गिर जाएगी। नहीं, अच्छा, ये चार नंबर पॉइंट हो गए। तो उस ग्राफ को आप समझ सकते हैं, ऐसे इस तरह का ग्राफ होता है, देखिए बढ़िया से दिखाई दे रहा है। हाँ, ऊपर से ऑर्डर आएगा नीचे की ओर, ये वाली है, ठीक है। ग्राफ जो है राइट अप्रोच होगा और रॉन्ग अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब पांच नंबर देते हैं। कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन माने निर्देश की एकात्मकता। आदेश और निर्देश में अंतर है, याद रखिएगा। डायरेक्शन जो है ऑर्डर में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्रियाओं के समूह को जिसका समापन उद्देश्य हो, प्रधान योजना होनी चाहिए। देखिए, हर काम का अपना एक प्लानिंग होता है, उस प्लानिंग के अनुसार जब काम करेगा तो जो प्लानर होते हैं ना वो डायरेक्शन देते हैं कि काम को ऐसे इस तरह से करना, तो उसी को लोग फॉलो करता है, जिसको हम लोग प्रायः आजकल अपने आप बॉस समझ लेते हैं। नहीं, तो बॉस डायरेक्शन देता है। नहीं, आगे देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। इसका भी एक कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, जैसे होता है इसमें स्पेशलाइजेशन का लाभ मिल जाता है। जो आपको डायरेक्ट करता है ना वो उस फील्ड का पहले से जाना पहचाना आदमी होता है, तो जब डायरेक्ट करेगा तो आपको स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट होता है विभिन्न क्रियाओं में एक रूपता, जो काम करेगा ना उसमें अलग अलग ढंग का नहीं होगा। यानी जब माल आपका कहीं से पास कराना होगा सुपरविजन से तो उसमें ढुकेगा नहीं माल आपका। थर्ड होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्किलनेस में वृद्धि होती है और उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से प्राप्त करते हैं। मैं इसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी है, जैसे कहता है कि विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन का लाभ नहीं हो पाता। लोग देखा देखी किस तरह काम करते तो एक ही फील्ड का स्पेशलाइजेशन होते हैं, ज़्यादा वो नहीं सीख पाता।
नेक्स्ट कहता है संगठन में कार्यकुशलता की कमी आ जाती है, लोग समझता है कि वो अच्छा करता है तो उसी पर लोग निकल जाता है, ऐसे नहीं, ये जोड़ी है। तो चलिए यूनिटी ऑफ कमांड में डिफरेंस बाद में बताएंगे, आदेश की एकात्मकता निर्देश की एकात्मकता क्या अंतर है, ये जोड़ी नहीं है। सिक्स पॉइंट है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों की अधीनता, क्या करेंगे चलिए आगे हम बता रहे थे, क्या बताते, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों को की अधीनता। व्यक्तिगत हित जैसे कि कॉमर्स भी कहता है, कोई बिजनेस भी कहता है कि कोई आपका व्यक्तिगत नहीं है, मतलब कहा गया है कि स्मार्ट हु स्मार्ट डन, स्मार्ट वही है जो स्मार्ट को काम को स्मार्टली वे में कर दिखाता है, नहीं और देखने में कोई कितना भी स्मार्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू लोग कहा ना बाबू बड़ा ना भैया, काम जो करे उसी के हाथ में रुपया, तो काम आपका बढ़िया करना चाहिए। तो कहता है क्वेश्चन में इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों को प्राथमिकता मिलती है, समान हित मतलब सभी के लिए। और हेनरी फ्यूल साहब कहा है कि कर्मचारियों की सुस्ती एवं काम में धीमापन आदि के निरीक्षण द्वारा समान हित को रोका जाना चाहिए। काम का अपना एक समय टारगेट होता है कि जितना समय में आप काम को कर देंगे, इससे न केवल स्वयं के कार्य की गति धीमी होती है बल्कि दूसरे कर्मचारी के काम पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप पैसा समान देंगे और कोई बहुत धीरे काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा वाला तकलीफ होगा कि हम बहुत काम करते हैं हमको बॉस जो है पैसा नहीं देता, नहीं। तो चलिए इसके कर्मचारी इसका भी वाइटल पार्ट है कि व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि समान हित होगा तो लोग समान रूप से करेंगे, नेता को क्या होना चाहिए समान पर नज़र डालनी चाहिए और संस्था को लाभ ज़्यादा मिलेगा, नहीं। मैं इसका वही दोस्त बोले ना कि ज़्यादा काम करने वाला ईर्ष्या होगा, हम बिना मतलब ज़्यादा काम कर रहे हैं मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसका तो हुआ कि ह्यूमन पावर्स का हनन हो जाएगा, जो ह्यूमन जो मनुष्य जो अपने लेबर इफोर्ट लगाते हैं ना वो कम हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसका टॉपिक नंबर 7 देखते हैं। 7 में रेगुलेशन ऑफ पर्सनल कर्मचारियों की पारिश्रमिक, तो जब काम लोग समान करेंगे तो पारिश्रमिक भी समान मिलेगा। मगर फ्यूल साहब कहते हैं कि कभी दक्षता के अनुसार भी लोगों को पारिश्रमिक रेमुनेशन देना चाहिए, जो ज़्यादा स्किल्ड है, जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जो ज़्यादा स्पीडनेस से काम करते हैं, उसके बारे में फ्यूल महोदय ने बहुत अच्छा सा बात कहा है कि कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसको अवार्ड दीजिए, सम्मानित कीजिए। आधुनिक व्यवसायिक एवं औद्योगिक जगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक प्रेरणात्मक पद्धतियाँ हैं। ऐसे अपने दीपावली होता है ना, तो देखिएगा जो भी लेबर्स आपके यहाँ स्टाफ काम करते हैं उनको हम लोग मिठाइयाँ देते हैं, नहीं मिठाई देते हैं, हैप्पी दीपावली कहते हैं, कुछ कपड़ा देता है लोग, नहीं कुछ चांदी के सिक्के देते हैं, आपको दीपावली में सब करने चाहिए। कर्मचारियों को समर्पण की भावना में विकास होगा, जब आप किसी को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे तो आपके प्रति वो भी रिगार्डफुल रहेगा, नहीं, और उसके उसको लगेगा कि हम ज़्यादा स्किल है, इसका कुछ बेनिफिट्स हमको मिल रहा है, और श्रम परिवर्तन भी करेगा, आप कैसे भागेगा नहीं। और नकारात्मक पार्ट होगा कि अगर उसको आप अवार्ड नहीं देते तो असंतुष्ट हो जाएगा आपके काम से, अनसेटिस्फाइड होगा तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। उसका है श्रम परिवर्तन की दर में वृद्धि हो जाती है, उसको कोई दूसरा जगह काम जहाँ ज़्यादा पैसा देगा आपने छोड़ दो चला जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर पॉइंट खत्म हो गए। पॉइंट नंबर 8 कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण है विकेंद्रीकरण। पहले आपको यह समझ लेना चाहिए केंद्रीकरण का क्या मतलब है और विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, नहीं देखिए सत्ता समझते हैं सत्ता। कहता है क्वेश्चन में इसमें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड एडॉप्ट द इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टीड ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइजेशन। लगता है कि आप नहीं समझ पाएंगे, सत्ता का केंद्रीकरण का प्रयोग शब्द का प्रयोग किए बिना इस शब्द का नहीं किया, सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण अथवा विसर्जन किया गया है से है, यह बहुत कुछ सीमा तक उपकरण की प्रकृति अधीनस्थ की कुशलता उपकरण कुशलता पर निर्भर करता है, और सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए ताकि श्रमिकों की योग्यताओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। सेंट्रलाइजेशन अगर करेंगे एक जगह से केंद्र, अगर पावर को एक जगह सेंटर में कीजिएगा तो सब लोग को ऑर्डर वहीं से मिलेगा, जब सबको ऑर्डर वहीं से मिलेगा तो जो लेबर होंगे उनको इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, जो स्टाफ होंगे उनको इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कार्यभार में कमी होगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे काम को बांटिएगा, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो, एक के हाथों में पावर, उस पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काम छोटा छोटा लोगों के बीच बचेगा, छोटा छोटा बचेगा तो अधिकारी में को जो कमी होगा उसको दूर होगा, उसका उसको डाउनलाइन को अच्छा मिला है कि हमको कुछ मिल रहा है वगैरह, तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे लेसन नंबर 9 है सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन,
स्केलर चेन का मतलब होता है सोपान श्रृंखला, देखिए ऐसा होता है ट्रेंगल की तरह होता है ऐसा, ठीक है। सोपान श्रृंखला में कहता है सभी पदाधिकारियों के मध्य सीमा समर्पण होना चाहिए, आज्ञा देने तथा लेने का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आदमी को अपने बॉस से बात करने का और मिलने का एकदम जो है पार्ट होना चाहिए, क्लीन पार्ट कहते हैं। जैसे कि समतल समान होना चाहिए, ऐसे डाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं लेंदी बनाइएगा ना, तो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है जो एक दूसरे के यहाँ जाने में होता है और इसमें ज़्यादा देर होगा तो डिसीजन का ऑर्डर भी ज़्यादा देर से मिलेगा, जिसके कारण आपको काम में दिक्कतें आ जाएगी। चलिए तो इस प्रकार से हम आपको समझा दिए, नौ लेसन नौ पॉइंट समझा दिए, और दसवां समझिए ऑर्डर। ऑर्डर अभी ऑर्डर में ही बता रहे थे ना, प्रत्येक वस्तु तथा मनुष्य के लिए एक नियत समय होना चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु और मनुष्य अपने निवास स्थान पर होना चाहिए। जिस तरह से ऑफिस होता है ना, 10 बजे जाना है और 3 बजे 4 बजे निकल जाना है, तो अभी तो मोदी जी के समय में कुछ लोग समय दे भी रहे हैं, अब ब्लॉक में देखता हूँ कर्मचारी को यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन तक लोग नहीं जाते, वरना लोग काम पर जाते ही हैं और काम पर जाना भी चाहिए, जहाँ से आप जीते हैं वो काम को बढ़िया से करनी चाहिए। मगर कुछ पहले देख जब आप देखेंगे तो पहले क्या था कि लोग एंट्री मारे नहीं 11-12 बजे लेट नहीं या 3 बजे भेंट नहीं, पहले भाग जाता था, तो उसको थोड़ा सा डाउन हटाया गया है। अब तो कहता है कि नौकरी नहीं करना तो हट जाइए, आप VRS ले लीजिए या ज़बरदस्ती आपको हटा देगा, वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होती। अच्छी बात है जिन्होंने मोदी सरकार ने लाया है कि लोग आलोचना करता है, मुझे अच्छा लगा कि जो काम नहीं करेगा किस चीज़ के लिए रहेगा, तो नया आदमी आएगा ना, इसके लिए ठीक किया। तो चलिए ऑर्डर में क्या पढ़े हम लोग, प्रत्येक मनुष्य वस्तु अथवा मनुष्य के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए जहाँ वो मिल सकता है नहीं, और उसके नियत स्थान के समय में वस्तु अथवा मनुष्य अपनी नियत स्थान पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए जहाँ उनको रखा गया है नहीं, तब ना सोशल ऑर्डर होगा, वो सोशल ऑर्डर है, वो याद रखिएगा। ऑर्डर क्या है, सोशल ऑर्डर है। सोशल ऑर्डर किसके लिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए होता है। कीपिंग अप द फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स दैट द प्रॉपर प्लेस फॉर द एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ राइट प्लेस एंड राइट वे फॉर द ऑल पीपल्स, याद रखेंगे ठीक है। तो ये हो गया आपको इफेक्ट, इफेक्ट इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इफेक्ट इसका क्या होगा कि भौतिक सतह मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण से उपयोग होगा और आवश्यकता पड़ने पर संसाधन खोजने में समय में बर्बादी नहीं होगी। जैसे आप एक नियत समय पर रखते हैं और आप अगर नहीं भी होते हैं तो आपके दूसरा भी आदमी उस सामान को वहाँ से उसको एडजस्ट कर सकता है नहीं। 11 नंबर है इक्विटी, समानता। इक्विटी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट एज द फेयरली टू द पॉसिबल्स सो दैट दे डेवलप ए फीलिंग्स टू द डेडिकेशन ऑफ द वर्क। कार्य का जो समापन होता है ना उसमें अगर समानता होगा, भेदभाव नहीं होगा लोगों के बीच में, काम फेयरली होगा, ईमानदारी पूर्वक लोग अच्छे ढंग से करेंगे। इसका वाइटल पार्ट है कि एंड एम्प्लाई रिमेन द सेटिस्फाइड, एम्प्लाई सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज द सेंस ऑफ द डिवोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रति उनका डिवोशन क्या होगा, लार्ज होगा, बढ़ेगा, वो डिवोटेड होकर काम करेंगे। कहता है स्किल्ड एम्प्लाई ट्राई टू द इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल, अपने स्किल को और अच्छा ढंग से करने की कोशिश करेंगे। और कहता है अंडर अनस्किल्ड एम्प्लाई ट्राई टू द अचीव सम स्किल, जो अनस्किल्ड एम्प्लाई है वो चाहेंगे कि हमारा जो स्किल्स है, जो दक्षता है, वो थोड़ा और बढ़े और अच्छे ढंग से काम करे। तो इसका रॉन्ग पार्ट क्या है, क्रिएट डिसीजन फॉर द स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स जो है कहता है क्वेश्चन में जो दुर्घटना की संभावना में वृद्धि, यानी कुशल कर्मचारियों का संगठन में विश्वास उठता है और कुशल कर्मचारी को कुशलता में कमी होती है। कहता है कि अगर स्किल्ड और अनस्किल्ड को एक जगह लगा देंगे तो अनस्किल्ड की तरह स्किल्ड काम करेगा, ये किताबी बात है, तो जो कि हमको लिखना है तो बता देते हैं कि वो देख के काम खराब कर लेगा, ऐसा नहीं। जिनको अच्छे काम करने की आदत होती है और अच्छा काम करते हैं वो गलत काम कर ही नहीं सकता, काम से बाहर हट जाएगा ये होगा, मगर देखा देखी गलत परफॉर्मेंस अपना नहीं बिगाड़ सकता। तो 11 पॉइंट हो गए, आइए 12वां पॉइंट बताते हैं। कहता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व नहीं, अच्छा देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रीटेड द प्रिंसिपल। प्रशासन के दृष्टि से कर्मचारियों के कार्यकाल का निष्पादित प्रतिदिन बदलना जरूरी है, सर्वथा अहितकर रहता है, ऐसा करने से असफलता का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के मन में उद्योग के प्रति अविश्वास की भावना घर कर जाती है और वे मन लगाकर काम नहीं कर पाते बल्कि दूसरी नौकरी तलाश करते हैं नहीं, और जिसके कारण वो काम में, देखिए काम करेगा,
काम में उसकी ट्रांसफरेशन होगी और काम में कहता है कि ज़्यादा अस्थिर नहीं होना चाहिए, स्थिर अस्थिर होना चाहिए, और वो समय पर परिवर्तन होना चाहिए, उनको प्रमोशन कर देना चाहिए, दूसरे फील्ड में भेज देना चाहिए, और मगर जल्दी जल्दी उसको काम से हटाना या वहाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। चलिए पहल क्षमता की कमी कहता है, पहल क्षमता समझते हैं, इनिशिएटिव, पहल से आशय कर्मचारियों किसी योजना को प्रभावित करने तथा उसका क्रियान्वयन करने की स्वतंत्रता से फ्यूल के अनुसार पहल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे नई नई योजनाएं प्रस्तुत कर सके और उन्हें सफल बनाने के लिए छावा कर सके। माने होता है कि जो आदमी क्रिएटिव माइंड के होते हैं, अगर कुछ अपना क्रिएटिव आपको देता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उनको करने देने का, उनको ऑर्डर देने चाहिए, करने देने की छूट होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका इससे होता क्या है, एक कर्मचारियों को अपने संस्था के प्रति अपनापन का बोध होता है, नहीं उसके बाद क्या होगा, उसे सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है, कर्मचारियों के निर्णय लागू करने में सहयोग होता है, नहीं वगैरह। और लास्ट पॉइंट जो है 14 नंबर, वो देखिए कहता है कि सहयोग की भावना है, स्प्रिट थी कोऑपरेट, नहीं सही फ्यूल ने सहयोग के साथ, देखिए कभी भी मैं नहीं होना चाहिए, मैं जहाँ होता है वहाँ सुपर बॉस होता है। फ्यूल महोदय ने सवाल दिया कि जब आप फर्म में और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वह हम की भावना होनी चाहिए, हमने रेस जीता। देखिए पुलिस का डिपार्टमेंट अगर किसी क्रिमिनल्स को पकड़ता है तो कहता कि बधाई हो एसपी साहब, आपने इस क्रिमिनल को पकड़ा है, आपका व्यक्तिगत एफर्ट बहुत अच्छा रहा। तो पत्रकार को जो एसपी जवाब देगा ध्यान में कहता है, नहीं ये मेरी खुद की प्रयास नहीं थी, मेरे टीम का प्रयास करने थी, या मेरी टीम ने अच्छा काम किया जिस कारण मुझे ये सफलता मिली। स्वाभाविक है कि आपको यदि कोई सफलता मिले तो आप पूरे टीम की बहादुरी को ध्यान में रखकर जवाब देना चाहिए, नहीं तो कहता है हम के वहाँ पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, संघ की शक्ति बढ़ेगी, संघ ऑर्गेनाइजेशन जो शक्ति होगी वो आपके प्रति अच्छा सोचेगा, बढ़ेगा, आदेश की एकता का विस्तार होगा और प्रभावी संदेश वाहन की बनेगा और टीम भावना जगेगी। कौन भावना जगेगी, टीम भावना आपको जगेगी। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो FW टेलर के बारे में बात करेंगे। FW टेलर जो है प्रबंध का पिता है, कौन प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का। तो चलिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और इसको हम जल्द बना के आपको FW टेलर के बारे में देंगे और इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि जो जो क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 2 के नाम से ढूंढिएगा नेक्स्ट को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।